आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो लोग बीटेक करना चाहते हैं अगर उनसे ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो आईटीजेई के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो अगर बीटेक करना चाहते हैं तो उनके पास और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ से वो बीटेक कर सकते हैं। और वो स्टेट लेवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आता है, उसकी भी आप फॉर्म भर सकते हो, सीओसेट का फॉर्म भर सकते हो। सीओसेट का फॉर्म निकलता है, कंबाइन निकलता है, उसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, वो स्टेट वाइज होती है, जैसे झारखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, हरियाणा में है, और भी जगह है। तो सीओसेट का फॉर्म आप भर सकते हो, और कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, अगर आप उसकी एग्ज़ाम देते हो, उसकी एग्ज़ाम ईजी होती है, तो आपको अगर मार्क्स आता है तो आप वहाँ से भी आप बीटेक कर सकते हो, या फिर बहुत से जगह पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है तो वहाँ से आप एमटेक कर सकते हो। एक तो ये ऑप्शन होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बीटेक लोग करते हैं, बीटेक जैसे हमारे भैया अगर कर ली हैं केमिकल से, तो लोग केमिकल से वो प्रेफर कर देते हैं। कई बार अगर वो अच्छे सजेशन दे देते हैं तो बोल देते हैं नहीं इससे नहीं करो, मैकेनिकल से कर लो, वो कर लो। वैसे अभी देखा जाए तो फाइनली अगर किसी भी स्टेट लेवल कॉलेज से करते हो तो प्राइवेट जॉब की स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। हमारे सेक्टर में जॉब नहीं मिलता है, लोग जॉब को ढूंढते करते परेशान होते हैं, और मिलता भी है जॉब तो 10,000 रुपये की, 15,000 रुपये की मिलती है। तो लोगों को अगर इंजीनियरिंग, मेरा तो यही मानना है, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो और आपकी एडमिशन अगर आईटीजेई में फिर एनआईटी वगैरह में अगर एडमिशन नहीं हो रहा है, और आप सोच रहे हो कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है या मुझे इंजीनियरिंग करना ही है, तो मेरा मानना है कि आपको अगर इंजीनियरिंग करना है तो आप थोड़े डिफरेंट ब्रांच से करो जिसमें भीड़ नहीं हो और हटके हो। जैसे कि आप चाहो तो एरोनॉटिकल्स से इंजीनियरिंग कर सकते हो, एएमई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर सकते हो। एक निमराना राजस्थान में वहाँ पे है, इसकी कॉलेज है एएमई की, वहाँ आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो या फिर नेट पे पता कर सकते हो। और अगर आपको एरोनॉटिकल से करना है तो बेंगलोर और चेन्नई में बहुत सारा कॉलेज है, वहाँ पे आप एडमिशन कर सकते हो अगर आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इसलिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे प्लेसमेंट 100% हो जाती है, और वो काफ़ी रॉयल जॉब होता है। आप एरोप्लेन एरोनॉटिकल इंजीनियर बनते हो तो काफ़ी अच्छा जॉब होता है। और एएमई का भी कोर्स होता है, वो 3 साल का होता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का होता है। उस एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो पेपर सेमेस्टर वाइज जो होता है उस कॉलेज में होता है, और कुछ पेपर उसका जो होता है डीजीसी जो होता है, जो सिविल एविएशन से एफिलेटेड होता है, वहाँ से पेपर आता है, उसके भी पेपर को क्वालिफाई स्टूडेंट को करना पड़ता है, तब जाके आप एज एरोनॉटिकल इंजीनियर बनते हो। तो जहाँ पे डीजीसी से वो एफिएशन है उस कॉलेज में आप एडमिशन लो, बेंगलोर चेन्नई में आप पता करके लो, या फिर निमराना में लो जो राजस्थान के पास है, वहाँ आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपको ये हटके इंजीनियरिंग करना है। तो दूसरा, अगर आप फिर भी इंजीनियरिंग करने चाहते हो तो आप फिर केमिकल ले सकते हो, केमिकल एज ए केमिकल इंजीनियर, या फिर बायोटेक से भी कर सकते हो। अगर रिसर्चर टाइप में आपको जाना है तो बायोटेक से इंजीनियरिंग कर सकते हो। फिर आता है आपका कि फिर पेट्रोलियम से भी जो होता है ना, पेट्रोलियम से भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें वो मतलब जो होता है शिपिंग जो होता है, शिपिंग इंजीनियरिंग अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उनका उसका भी फॉर्म अलग से निकलता है, हर बार एग्ज़ाम होता है। एक होता है IMU CSAT करके एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, इंडियन मैरिन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करके एग्ज़ाम होता है, तो उसकी आप फॉर्म भर सकते हो, वो भी हर साल निकलता है। आपको ये इंक्वायरी करनी होगी, आपको सर्च करते रहना होगा कि कब वो फॉर्म निकल रहा है, तो आप उसकी फॉर्म भर दोगे तो वहाँ से भी बहुत सारे कोर्स ऐसे होते हैं जिसको आप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से डिप्लोमा भी होता है और MBA भी होता है, जो लोग ग्रेजुएट हो वो भी लोग आप वहाँ से IUMC CSAT से MBA कर सकते हो, या फिर MTech कर सकते हो। BTech के बाद भी आप वहाँ से नेवल इंजीनियरिंग से MTech वगैरह कर सकते हो। तो ये डिफरेंट कोर्स होता है जो कि आप एज ए इंजीनियर तो बनते हो, बट डिफरेंट टाइप की इंजीनियरिंग कोर्स होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस भी मिलती है। आपको शिप पे जॉब मिलता है, आप शिप इंजीनियर बनते हो, मैरिन इंजीनियर बनते हो, और उसमें बहुत सारा कोर्स होता है। आपको कैप्टन भी बन जाते हो, कैप्टन का भी कोर्स होता है, जो कि आजकल बहुत सारा कोर्स होता है। तो ये सब जो जॉब होता है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग काफ़ी पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए जॉब है। क्योंकि शिपिंग पे जब आपको जॉब लगती है तो उस पर कई बार 6-6 मंथ तक शिप जो होता है ना, समुद्र में भी चलते रहता है, फिर वो फाइनली आता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिलता है, और फिर आप रेस्ट भी करते हो, फिर 6 मंथ घर पे, 6 मंथ वहाँ पे, इस तरह से वर्क होता है। तो अब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से जो लोग कोर्स करते हैं तो वो शिप पे नहीं वर्क करते हैं, वो वहाँ पोर्ट जहाँ पे होता है वो सारे सीप आते हैं तो वहाँ पे वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो कोर्स होती है जो आप लोग कर सकते हो,
एज ए कम्पेयर टू कि आप बस बीटेक कर रहे हो, कहीं भी एडमिशन ले लिए, आईआईटी एनआईटीज में एडमिशन नहीं मिला तो आपने कहीं भी एडमिशन ले लिया और वहाँ से ही केमिकल इंजीनियरिंग कर लिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर लिया या सिविल कर लिया, मैकेनिकल कर लिया। ये सब इंजीनियरिंग करने वाले हज़ारों लाखों लोग होते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो इंजीनियरिंग करके इस तरह से वो मतलब बैठे हुए हैं, उन्हें जॉब नहीं लग रही है तो कोई किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग कुछ हटके अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो तो आप एरोनॉटिकल प्रीफर करो या फिर आप मैरीन इंजीनियरिंग प्रीफर करो, इन सारे क्षेत्र में आप लोग जा सकते हो। तो इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बोलना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।